कि बिहार को आगे कितना हम लोग पढ़ाए और ठीक कहा गया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया, लेकिन आबादी देश भर में तीसरे नंबर पर, अब पता नहीं कब दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। उस समय प्रजनन दर 4.3 था और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है, 4.3 से घटते 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 अब बिहार में भी हो गया 2.9 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। पटना में जेडीयू के खुले अधिवेशन का आज आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, उमेश कुशवाहा और तमाम पार्टी के सभी मंत्री पदाधिकारी समेत सभी नेता आज मौजूद थे। और इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बात किया, आप सुनिए पहले कि उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है। बिहार में जब काम करने का मौका मिला तो शुरू से ही जितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया, सब लोगों ने संक्षेप में सारी बातें कर दी कि बिहार को आगे कितना हम लोग पढ़ाए और ठीक कहा गया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया, जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, एक एक चीज को, और सबके लिए अधिकार, कौन नहीं पढ़ रहे थे, सबको पढ़ाना है। आज जब उसी में पता चला कि करीब करीब 12.5% बच्चे बच्चे, यानी पांचवा के आगे तो बहुत कम ही पढ़ता था, पांचवा तक भी 12.5% नहीं जा रहा, अब कौन है भाई, तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग। और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आप तो मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया, अब हम लोगों के यहाँ पे जानते ही न है, पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं, एरिया कितना कम, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में तीसरे नंबर पर, अब पता नहीं कब दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है, इसीलिए इसका कारण क्या है, कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इन बातों की चर्चा करते हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है, तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2, और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी निकला प्रजनन दर 2, अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई, और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी समय से हमको लगा कि भाई जब सब महिलाओं को पूरा पढ़ा दें और सब लोग पढ़ेगी तभी अब प्रजनन दर नीचे जाएगा। अब आजकल देख में रहे हैं कि कुछ लोग डिमांड कर रहा है कि साहब नियमित करिए, एक परिवार में 2 से अधिक नहीं पैदा करेगा। हम तो इसका विरोध करते, सब बोगस चीज है, ये तो बोगस चीज है। अगर महिलाओं को पढ़ाओगे तो अपने आप प्रजनन दर नीचे जाएगा, किसी को करने का मतलब होता है, ये लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। अब हम लोगों के यहां जान लीजिए, जब महिलाओं को पढ़ा रहे तब क्या हो गया, 4.3 से घटते 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 अब बिहार में भी हो गया 2.9 पर। अब ये पूरा काम जो कर रहे हैं ये बढ़ेगा तो हम लोग का तो बिहार में 4-5 साल के अंदर 2 पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। कई लोग तो कोई पॉलिसी नहीं बनाते,
कौन सी पॉलिसी बनाते हैं, आप देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है दुनिया में, आगे बढ़ गए। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जो ये जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है और खासकर महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जब उन्होंने पता किया कि 12% ऐसे लोग हैं जो 5वीं कक्षा से कम पढ़े लिखे हैं, और जब उन्होंने पता किया कि ये लोग कौन हैं तो उन्हें पता चला कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और खासकर महादलित के लोग हैं। तो उन्होंने इस पर यही कहा कि सभी को शिक्षित होना काफ़ी ज़रूरी है, अगर लोग शिक्षित होंगे तभी है जो हमारे जनसंख्या में कमी होगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पे भी कटाक्ष किया है। तो इस खबर में इतना ही, बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ, धन्यवाद।